दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2018 की रिगार्डिंग बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आज फिर से नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है। मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कार्यरत है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना है। आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी एक इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको रेलवे, SSC, बैंक की तैयारी कराई जाती है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पढ़ाई हो गई बहुत आसान। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी, SSC, बैंक, UPSC, MPSC, UP SSC, वीडियो भर्ती, पुलिस भर्ती, तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल एक ही बुक काफी है, GK ट्रिक्स इन हिंदी। जी दोस्तों, इस बुक में GK ट्रिक्स के साथ बताई गई है। संपूर्ण GK आपको इस बुक में मिल जाएगा, और जिसके माध्यम से आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक की खासियत ये है कि हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे 10 से 12 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक को जरूर चेक करें। तो देखिए दोस्तों, पत्रिका.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर RRB ग्रुप डी एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे ने किया नियमों में बड़ा बदलाव। हस्तलेख के लिए परीक्षा में ही मिलेगा पैराग्राफ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हो, देख लेते पूरी जानकारी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए आने वाले लगभग 1,90,00,000 अभ्यर्थियों के मद्देनजर फर्जी अभ्यर्थियों पर शिकंजा कसने के लिए यह बदलाव किया गया है। 17 सितंबर से यह परीक्षा स्टार्ट हो रही है, और अभ्यर्थियों को अब हस्तलेख के लिए पैराग्राफ परीक्षा प्रारंभ होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आएगा। रेलवे की में अब तक ये पैराग्राफ अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर छपा होता था, जिसे वे अपने हस्तलेख में प्रवेश पत्र के नीचे दिए गए खाली स्थान पर अपने घर से लिखकर आ जाते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया। हस्तलेख के लिए अब पैराग्राफ प्रवेश पत्र की बजाय परीक्षा में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे फर्जी अभ्यर्थियों की घटनाएं 0% हो जाएगी, और इसकी जानकारी रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने दी है। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों से एक बार फिर पैराग्राफ हाथ से लिखवाया जाएगा। जी दोस्तों, और इससे मिलान किया जाएगा। GK ट्रिक्स इन हिंदी नामक बुक की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके।